अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आज टुडेज वीडियो। और आज हम लोगों ने जो स्टडी करना था वो हम लोगों ने स्टार्ट करना है डिडक्शंस को। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मेथड्स को, जिसमें हम लोगों ने रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और फिर ऑब्जर्वेशन को डिस्कस किया था। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी और क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट, और हम लोगों ने फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी स्टडी किया था और कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस की थी कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट डिडक्शंस, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप और विच इज़ द फोर्थ स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट ड्रॉ डिडक्शंस फ्रॉम द हाइपोथेसिस। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर दिस पर्पज अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज अ ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। कि हम लोग फॉर टाइम बिंग हाइपोथेसिस जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने वैल्यूज और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं, उसको चेक करते हैं। जनरली इन बायोलॉजिकल मैथड इफ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू देन वन शुड एक्सपेक्ट डिडक्शंस ऑफ अ सर्टेन रिजल्ट। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इफ देन लॉजिक। तो ये उन्होंने एक जनरल बताया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जब हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग अपना हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, सारा कुछ इसी के बेसिस पे हो। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग इसको अच्छे से परफॉर्म करें। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मैथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिग्रेस टेस्टिंग। जारी बात है, जो हम लोग हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं अपनी, चेक करने के लिए कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो आइदर इट इज़ ट्रू और नॉट। थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट ड्रॉ लर्न्स व्हिच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द वन व्हिच प्रूव्स द करेक्ट इज एक्सेप्टेड। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोग किसी एक हाइपोथेसिस को लेकर नहीं चल रहे होते, हमारे पास टू या थ्री हाइपोथेसिस होते हैं और हम लोग उसको डिफरेंट हाइपोथेसिस को डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर चेक कर रहे होते हैं। फिर जौन सा पैरामीटर या जौन सा हाइपोथेसिस हमारा उसको फॉलो कर रहा होता है या एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो रहा होता है तो हम उसको फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक्स फर्दर प्रेडिक्शंस दैट प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट वे टू द फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी। फिर हम लोग फर्दर उसकी वैलिडिटी चेक कर लेते हैं। देन वी हैव समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट जैसे कि उसको नेम्स लिस्ट कह रहे हैं हम लोगों के पास कि हम लोग उसको टेबुलेट फॉर्म में डाटा गैदर कर लेंगे। बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वान्टिटेटिव डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना कि आपके पास जो डाटा है आप उसमें स्टैट्स के रूल्स अप्लाई करते हैं उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कि आइदर द डाटा इज एक्सेप्टेबल ऑथेंटिक और नॉट। फिर उसके अकॉर्डिंग पे टेस्ट की बेसिस पे स्टैटिस्टिकल आप एरर्स उसमें से रिमूव करते हो, सारा चीज़ें करते हो, उसके बाद ही आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो। टू ड्रॉ कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट ऑल्सो डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर हमारे पास आ जाते हैं रिपोर्टिंग द रिजल्ट। रिपोर्टिंग द रिजल्ट में आप बता देते हैं कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ, वॉट एवर द सिनेरियो हैज बीन। बायोलॉजिस्ट पब्लिश their findings in the scientific journals and books, in talks at national and international meetings and in the seminars at colleges and universities. Publishing of results is an essential part of the scientific method. It allows other people to verify the results and to apply the knowledge. Basically ये होता है कि आप अपना जो आपके जो findings होती हैं आप उसको publish कर देते हो ताकि वो international audience के लिए भी और national audience के लिए भी available हो, so that they can check either you have experimentally performed all these things. वो खुद भी वो परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं और मज़ीद अगर उसमें कुछ एडवांसमेंट करना चाहते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं आपकी हाइपोथेसिस को या आपकी रिसर्च को, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड मतलब उसमें अपना मज़ीद ऐड कर सकते हैं कुछ। मज़ीद ये मलेरिया का टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिकॉज वो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इसमें से आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, पॉइंट आउट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।